गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जिद्दी प्रॉब्लम जो है ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स। जी हाँ, ये जो माउंटेन हमारे नोज में चिन में हो जाते हैं, ये आखिर क्यों होते हैं और कैसे हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप इन प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने और उसके पास में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना है ताकि जब जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की ओर जो कि है स्टीमिंग। स्टीमिंग करने के लिए हमें अलग से स्टीम मशीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर पे नॉर्मली स्टीम कर सकते हैं। उसके लिए हमें ले लेना है गर्म पानी जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। सॉरी फॉर दिस मग, हमारे घर में यही होता है जिसमें हम गर्म पानी रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी रख लिया है एंड यहाँ पे मेरे पास एक हैंकी है। इस हैंकी को हमें गर्म पानी में डिप करना है और हमें गर्म पानी उतना ही गर्म लेना है जितना हम सहन कर सके। ऐसा नहीं कि उबलते हुए पानी को लाके नोज में हम डाल दें, ऐसा नहीं है। और इस पानी को अच्छे से निचोड़ के आपको 5 मिनट के लिए स्टीम लेना है उन एरियाज में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम होती है। तो चलो स्टीम ले लेते हैं एंड स्टीम ले लेते हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो हमारी स्किन ग्लैंड्स बहुत ज्यादा ऑयल डिस्चार्ज करते हैं एंड वही ऑयल जब हमारी डेड स्किन सेल्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब वो बन जाते हैं व्हाइटहेड्स और वही व्हाइटहेड्स हवा और पानी से ऑक्सीडाइज्ड होके बन जाते हैं ब्लैकहेड्स। तो ऐसे हमें हो जाते हैं ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स। ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम सबको होती है बट ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम ज्यादातर ऑयली स्किन वालों की होती है एंड ड्राई स्किन वालों को ज्यादातर व्हाइटहेड्स होते हैं। और हमारे व्हाइटहेड्स ज्यादातर होते हैं टी जोन में, यानी कि इस एरिया में, ठीक है। टी जोन में हमें ज्यादातर ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम होती है। किसी किसी को और भी फोरहेड पे होते हैं, बहुत सारी जगह पे होते हैं बट ज्यादातर गालों पे, सॉरी ज्यादातर चिन पे और फिर नोज पे होती है। और ये प्रॉब्लम हम सोचते हैं हमें कोई प्रॉब्लम तो कर नहीं रही है, हमें तंग नहीं कर रही है, हम एक के साथ ओके है, बट ये प्रॉब्लम आज आपको तंग नहीं कर रहे बट कुछ सालों बाद ये बन जाते हैं ओपन पोर्स। ये जो डार्क ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स होते हैं ना, ये हमारे पोर्स को यानी कि रोम छिद्रों को क्लॉक कर देता है और यही क्लॉक पोर्स बाद में जाके ओपन पोर्स बन जाते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा खराब लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक अच्छे से स्टीम ले लिया है। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। और स्टीम लेने के बाद ना हमारे पोर्स ओपन हो चुके हैं, अभी हमने अपना दूसरा स्टेप स्टार्ट करना है जो कि है पीलिंग। अरे होममेड पील ऑफ मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है एक खाली कटोरा एम्प्टी बाउल की और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चारकोल पाउडर। अगर आपके पास चारकोल पाउडर नहीं है तो इजीली आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी आपको इजीली मिल जाएगा। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का चारकोल पाउडर। आप कोई सा भी ब्रांड का चारकोल पाउडर यूज कर सकते हैं एंड इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ और हमें इसे 1/2 चम्मच या 1 चम्मच ऐड करेंगे। इतना मेरे लिए काफी है, आई होप आप देख सकते हो, इतना मेरे लिए काफी है। मैंने इतना सा लिया है क्योंकि हम इसमें और भी एक चीज मिलाने वाले हैं जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो कि है पील ऑफ मास्क। आप कोई सी भी ब्रांड के पील ऑफ मास्क ले सकते हैं, एवियू का, हिमालय का। मैं यहाँ पे हिमालय नीम पील ऑफ मास्क ले रही हूँ। इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला ट्राई कर रही हूँ एंड मैं इसे भी इसमें डाल दूंगी एंड इसे हमें उतनी क्वांटिटी में डालना है जितने में ये हमारा पील ऑफ मास्क रेडी हो जाए। हमें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से चाहिए, ज्यादा लिक्विड भी नहीं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं। इस तरीके से हम इसकी कंसिस्टेंसी बनाएंगे। मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ, आप चाहे तो जिससे कंफर्टेबल है आप उससे लगा लीजिए। तो मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है जहाँ पे मुझे ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम है। आई नो आई एम लुकिंग सो वियर्ड। मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधे सूखने के बाद और ये 15-20 मिनट में आराम से सूख जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से 15-20 मिनट बाद।
तो यस गाइस, ये अच्छे से सूख चुका है, आप देख रहे हो। एंड अभी मैं इसे धीरे धीरे पील करूँगी, और आपको धीरे धीरे करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना वरना शायद आपको थोड़ी सी लग भी जाए। धीरे धीरे से आप पील कर लेना, एंड ज़्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है। आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ ही पा रहे होंगे, शायद बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। तो मैंने पहले चिन से थोड़ा सा रिमूव करते करते नोज़ की तरफ जा रही हूँ। एंड अब अगर आप इसे अपवर्ड डायरेक्शन में आप पील करोगे ना, तो जो छोटे छोटे रुए होते हैं ना हमारे फेस पे, फेशियल हेयर, छोटे छोटे रुए, मैं बालों की बात नहीं कर रही, जो छोटे छोटे रुए होते हैं, रुई काइंड ऑफ, वो उठ जाते हैं। और अच्छे से मैं यहाँ पे पील कर लेती हूँ। तो मेरा पीलिंग यहाँ पे डन हो गया है, तो मैं अच्छे से फेस वॉश करके आ जाती हूँ एंड फिर मिलती। तो अब मैंने सारा जो मास्क था, पील ऑफ मास्क, वो मैंने पील कर लिया है, अच्छे से अपने फेस को धो के आ चुकी हूँ। एंड अब बारी है हमारे थर्ड स्टेप की, जो है आइस टैपिंग, यानी कि बर्फ की सिकाई। ये हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि स्टीमिंग की वजह से और पील ऑफ की वजह से हमारे सारे पोर्स ओपन हो चुके हैं। अब हमें उन्हें बंद करना होगा, वरना बहुत सारे इम्प्यूरिटीज और गंग्स इनमें घुस जाएंगे। तो उसके लिए हमें करना होगा बर्फ की सिकाई। तो उसके लिए मैं बर्फ लेके आ चुकी हूँ यहाँ पे। बहुत लोगों को बर्फ सूट नहीं करता है, वो लोग ठंडे पानी का भी यूज कर सकते हैं, फ्रिज के पानी का। बहुत लोगों को बर्फ से रैशेस हो जाते हैं, एंड बर्फ यूज करने के बाद अगर आपके स्किन में थोड़े से रेडनेस आ जाए तो वो नॉर्मल है, ये सबको होता है, मुझे भी होता है, थोड़ा सा रेड हो जाता है बर्फ यूज करने के बाद। बट डायरेक्ट आप कभी भी बर्फ यूज मत किया कीजिए, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाती, उससे हमारे स्किन सेल्स डैमेज होते हैं। हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव। इसने ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नहीं है, क्योंकि मैं ये स्टेप हर 15 दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार जरूर करती हूँ। गर्मियों में हफ्ते में एक बार करने की जरूर कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए मुझे इतना ज्यादा डार्क ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नोज अब एकदम स्मूथ लगने लगी है। आपको इसे हर हफ्ते या फिर 15 दिन में एक बार जरूर करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे यूज करके आप इन ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स के छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, स्क्रबिंग आपको हफ्ते में एक बार जरूर करनी है। नंबर 2, आपको हफ्ते में ये मास्क एक बार या फिर 15 दिन में एक बार जरूर यूज करना है। नंबर 3, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, एंड फ्राइड या फिर तले हुए चीजें ज्यादा से ज्यादा खाना कम करना है। नंबर 4, आपको ज्यादा से ज्यादा रसीले फल खाने हैं, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। नंबर 5, आपको अपने फेस को दिन में 2 बार जरूर वॉश करना है। आपको आपके फेस पे नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट यूज करने हैं, एंड आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करने हैं। इससे आपकी स्किन की ऑयल बैलेंस रहेगी एंड पीएच बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए और हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और वो जो लाल सब्सक्राइब का बटन है ना उसे ग्रे कर दो, और जो ग्रे थंब का बटन है ना उसे नीला कर। मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।